चुनाव आते ही दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रैलियों और सम्मेलनों के जरिए वो लोगों के बीच पहुंच रही है। आगरा में भी बीजेपी ने व्यापार प्रकोष्ठ का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सिद्धार्थनाथ सिंह शामिल हुए और गठबंधन पर करारा चोट किया। सिंह ने कहा कि गठबंधन के 21 उत्पादों के सामने नरेंद्र मोदी इकलौते हैं। महागठबंधन हुआ है, क्या कहना चाहता है? मुझे तो दिखता नहीं, नाम के लिए महागठबंधन है, वो टूटता हुआ गठबंधन जरूर है। वो ऐसा गठबंधन है जहां पर एक प्रोडक्ट तो दिखता नहीं है, हमें 21 प्रोडक्ट दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वो है जो एक प्रोडक्ट लेकर आई है और वो प्रोडक्ट हर सर्वे में नंबर वन ही दिखता है। तो जो महागठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में वो एक गठबंधन है, तो वो दिल्ली में दूसरा गठबंधन है। टीएमसी जो है वो बंगाल में उस गठबंधन कांग्रेस के साथ लड़ना नहीं चाहती, वो कहती है हमें आप सपोर्ट करो मगर हम आपको गठबंधन में लेंगे नहीं, वही आप सपा बसपा का है। तो ये गठबंधन है नहीं, ये अवसरवादी गठबंधन है, मगर जो चुनाव आते आते उस गठबंधन का पर्दाफाश भी हुआ है और वो टूटता हुआ गठबंधन हम लोग को जरूर दिख रहा है। वहीं कांग्रेस और बसपा के गठबंधन पर कहा कि अगर बसपा रायबरेली और अमेठी सीट पर अपने प्रत्याशी ना उतारे तब समझा जाएगा कि गठबंधन नहीं हुआ है। गठबंधन जो है अलग से चुनाव में भाई, सपा बसपा ने कहा कांग्रेस को कि आप बड़ी पार्टी बनते हो, राहुल गांधी जी आप बड़े नेता बनते हो, मगर आपकी जो हैसियत है उत्तर प्रदेश में वो दो सीटों की है, वो कांग्रेस को बताया है सपा बसपा ने। सर इस बार बीजेपी की कितनी सीटें रहेंगी? क्या मोदी 80 में 80 आ रही हैं इस दफे, अब हमें चिंता नहीं। बीजेपी को मजबूती से गठबंधन का कारण बताते हुए कहा कि मायावती और अखिलेश यादव इसी मजबूरी के कारण एकजुट हुए हैं। मुलायम सिंह जगह प्रचार करेंगे इस बार, अब विरोधी कहे जाते हैं, अब वो जो भी है उनको दिल करता है प्रचार करने का तो जरूर करें, मगर ये उनकी मजबूरी है और मजबूरी नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, क्योंकि देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहती है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मायावती जी मुलायम सिंह का प्रचार करने को भी मजबूर हो गई है। वहीं प्रियंका गांधी के वाराणसी और प्रयागराज जाने के सवाल पर कहा कि दोनों की तीर्थ स्थल है, साथ ही प्रियंका के इस यात्रा से उन्हें बीजेपी सरकार के विकास के बारे में पता चलेगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 17 मार्च से प्रयागराज से वाराणसी के लिए निकलेंगी। अभी उनका यह दौरा प्रस्तावित है जिसे लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस दौरे को अपनी विकास गाथा बनाना चाहती है, क्योंकि प्रियंका गांधी मोदी सरकार से शुरू हुए प्रयागराज से वाराणसी तक के जल यात्रा से अपना सफर करेंगी। आगरा से पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्रजभूषण की रिपोर्ट।